भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खेल के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। संन्यास के बाद धोनी ने एक खास व्यापार में अपनी रुचि दिखाई है। मिली जानकारी की माने तो धोनी ने रांची में झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गों का व्यापार करने का मन बनाया है। धोनी ने इसके लिए बुकिंग भी करा दी है। दरअसल धोनी ने मध्य प्रदेश में झाबुआ के कड़कनाथ के 2000 चूजों के लिए अग्रिम भुगतान के साथ ऑर्डर दे दिया है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से धोनी ने जैविक खेती में हाथ आजमाया है। अब खेती के साथ वो मुर्गों की फार्मिंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मुर्गों की बुकिंग के लिए धोनी ने अपने पुराने दोस्त और वेटरनरी डॉक्टर कुल्लू की मदद ली है। मुर्गों की बुकिंग के लिए झाबुआ के रहने वाले आदिवासी किसान विनोद मैडा को अग्रिम भुगतान कर दिया गया है। मैडा को 15 दिसंबर तक 2000 चूजों की डिलीवरी करनी है। आदिवासी किसान विनोद मैडा ने बताया कि धोनी से ये ऑर्डर मिलने के बाद वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि वो चूज़ों की डिलीवरी देने के लिए खुद रांची जाएंगे ताकि धोनी से उनकी मुलाकात हो सके। बताया गया है कि MS धोनी ने पहले चूज़ों के लिए झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा अनुसंधान केंद्र से संपर्क किया, लेकिन केंद्र में इसकी अनुपलब्धता के चलते उन्हें आदिवासी किसान को इसका ऑर्डर देना पड़ा। आदिवासियों की क्षेत्रीय भाषा में कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गा मुर्गियों को काली मासी कहा जाता है। इसका मांस, चोंच, कलंगी, जुबान, टांगे, नाखून, चमड़ी सभी काले होते हैं। इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, वहीं वसा बहुत कम होता है। मुर्गी की ये प्रजाति धार और झाबुआ मध्य प्रदेश के बस्तर, गुजरात और राजस्थान के आसपास के जिलों सहित लगभग 800 वर्ग मील को कवर करती है। कड़कनाथ मुर्गों की प्रजाति के 3 फॉर्मेट्स होते हैं। पहला जेड ब्लैक, इसे पूरे पंख पूरी तरीके से काले होते हैं। पेंसिल्ड, इस मुर्गे का आकार पेंसिल की तरह होता है। गोल्डन कड़कनाथ, इस मुर्गे के पंख पर गोल्डन छींटे दिखाई देती हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।